मेरा नाम ब्रजनंदन है और मैं आपको आज क्लास फर्स्ट सेकंड और थर्ड की कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो इस बेस पे बच्चे मोस्टली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो आपको आज मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ अलग से जानकारी दूंगा जिसे हम पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट डेटा एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मीन्स डेटा को प्रोसेस में लेता है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमको देता है। बी पॉइंट, इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। इसका मतलब ये है कि डाटा को ये आसानी से स्टोर कर सकता है और जितनी बार चाहें हम डाटा को बार बार इन्फॉर्मेशन के रूप में ले सकते हैं और ये हमें उस डाटा को बाय प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बेस देता रहेगा। इसका पॉइंट सी है, अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल, प्ले गेम एंड ब्राउज द वेब। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं एंड किसी भी वेबसाइट में हम विजिट कर सकते हैं। इसका डी पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड इवन वीडियोस। कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि हम जब डाटा को क्रिएट करते हैं तो उसे एक इन्फॉर्मेशन बेस तैयार करना होता है, जैसे कि स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या किसी वीडियो के रूप में, जैसे कि हम अभी बना रहे हैं। तो कंप्यूटर का यूज़ इन कामों के लिए भी होता है। एक नॉलेज और है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन टू कैलकुलेट। मतलब ये है कि कंप्यूटर शब्द जो है एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसे कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल रहती है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताएंगे। यानी स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। तो ए पॉइंट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, दिस डिवाइस आर यूज टू इंटरेक्ट विद और सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि ऐसी कुछ डिवाइस जिनके द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी जो है कंप्यूटर के अंदर जाती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और इटी और एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हम आउटपुट डिवाइस। दीज डिवाइस आर प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के उपकरण द्वारा हमें आउटपुट डिवाइस मतलब आउटपुट प्राप्त होता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा। लास्ट है स्टोरेज डिवाइस। ये ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करती है और इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें देती है। इन डाटा को हम इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डाटा को स्टोर करेंगे तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारे फ्यूचर के लिए भी सिक्योर रहेगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो ये हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी रहती हैं, तो इस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एट्सेट्रा। अब मैं कुछ आपको इन पेरिफेरल डिवाइस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से हार्ड ड्राइव मतलब हार्ड मटेरियल यूज होते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओएमआर, आईसीआर, ऐसे कई सारी डिवाइस हैं जो कि इनपुट डिवाइस में यूज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटपुट डिवाइस का, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन
ये डिवाइस मोस्टली ऐसी डिवाइस ये आउटपुट डिवाइस के नाम से जानी जाती है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देती है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डाटा को थोड़े से लेकर कई सारी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, कोई बड़ी फाइल हो या छोटी फाइल हो, उन सभी को हम सिक्योर रूप से रख सकते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको अगले दिन दूंगा। थैंक यू। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एंड इनपुट एंड प्रोसेस इट विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस रिजल्ट एज आउटपुट। इसका मतलब है कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि हम इसके कंप्यूटर के प्रोग्राम को पहले से ही सेट करके रखते हैं, इसलिए इसका नाम प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पड़ा। दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा। रॉ डेटा मीन्स ये हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है, जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। एज इनपुट डिवाइस, जो भी ये इन्फॉर्मेशन लेगा, चाहे वो बाय टाइप हो, बाय वीडियो हो, बाय ऑडियो हो, वो उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। एंड वो उस डेटा को फिर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो सारे इंस्ट्रक्शन को सेट करेगा और उसके बाद वो हमें रिजल्ट देगा आउटपुट के रूप में। इसके जी पॉइंट पे आते हैं। इट गिव आउटपुट जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, लेकिन चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर कोई लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग टाइप करके भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से यह हमें हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन देता है। पॉइंट एच, द डिवाइस ऑल्सो हैज मेमोरी दैट स्टोर द डेटा प्रोग्राम एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसी ऐसी डिवाइस लगी होती हैं जो कि मेमोरेबल होती हैं। मेमोरेबल भी जैसे कि हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सभी डाटा को इस रूप में स्टोर करके रख लेता है और हमें रिजल्ट के रूप में देता रहता है। पॉइंट आई, इट इज बिलीव दैट एनालिटिकल इंजन वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये माना जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर जो है, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन है, वो इन्वेंट किया गया था, उसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1837 में, और उनको ही कंप्यूटर के पिता के या कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर पेरिफेरल, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर यानी कंप्यूटर में जो भी डिवाइस काम करती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, वो कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानी जाती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताएंगे, यानी